दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर। नहीं होते तो क्या राम मंदिर बन सकता था क्या? बन सकता था क्या? अरे मंदिर के लिए कितने आंदोलन किए, कितने कार सेवा की, कितने लोगों ने बलिदान दिया, पर बिना बलिदान के न्यायालय को सही कागज सरकार ने प्रस्तुत किए, न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और आज शान से दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया अब तो तारीख भी बता दी दिग्विजय सिंह जी। तुम्हारे वकील कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के नेता ने कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति हुआ ही नहीं, रामचरितमानस उपन्यास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति है? हमारी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है कि नहीं बताइए, हमारी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है कि नहीं बताइए, जोर से बोलिए जय जय सियाराम। राम हमारे आराध्य है, हनुमान हमारे आराध्य है, रामचरित मानस हमारे समाज को मार्गदर्शन देती है कि पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाभी कैसे होना चाहिए, ये पूरे सामाजिक परिवेश को मार्गदर्शन देने का काम रामचरितमानस करती है जो कि मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। वो रामचरितमानस को बोलते हैं उपन्यास है। अरे भाई दिग्विजय सिंह जी और सोनिया जी सुन लो, राम जी बहुत दयालु हैं, राम जी करुणा निधान है, राम जी की शरण में जो चले जाता है उसको माफ कर देते हैं और इसलिए जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सोनिया आंटी को लेकर अपने परिवार के साथ जाना वहां पर राम जी की शरण में। जिंदगी में जितने पाप किए आपने, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब माफ कर देंगे, क्योंकि जो राम जी की शरण में पहुंच जाता है वो राम जी का हो जाता है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, जवानी में आपने जो भी भूल करी हो, गलती करी हो, अपना बुढ़ापा सुधार लो। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया है, अपनी सोनिया आंटी को भी ले जाओ और भगवान राम के शरणागत कर देना। तुम्हारा ये जीवन तो जैसा निकला निकला, पर अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा, ये हम दावे से कहते हैं। मैं आपको सिर्फ